गाइस, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जिस वर्ड का जिक्र मैं अपने ज्यादातर वीडियो में करती हूँ, इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड। देखिए, लड़कियां भले आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दें या देर से एक्सेप्ट करें या आपसे कोई पहल ना करें, लेकिन इमोशनल बॉन्ड के बारे में वो आपसे जीत जाती है। वो जब किसी लड़के की लाइफ में आती है या उनकी लाइफ में जब कोई लड़का आता है तो वो जल्दी किसी से इमोशनल अटैच हो जाती है। लड़कियों का ये नेचर होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो लड़की जो आपसे इमोशनल अटैच्ड हो चुकी है या जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन बन चुका है, वो आपको क्या क्या साइन देती है, वो क्या क्या करती है। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि वो लड़की क्या क्या साइन देती है, क्या क्या करती है, इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इमोशनल कनेक्शन क्या होता है। पहले आपका ये जानना जरूरी है। देखिए, जब कोई किसी का किसी के साथ इस तरह का बॉन्ड जुड़ता है तो प्यार केवल कहने भर के लिए प्यार नहीं होता, वास्तव में दिल से प्यार होता है, अंदर से होता है। जब कोई आपको अपने से ऊपर रखने लगे, जब किसी की परेशानी आपकी परेशानी बन जाए, जब वो इंसान वो या वो लड़की केवल आपसे प्यार ना करके उस रिश्ते से प्यार करने लगे, उस रिश्ते से मिल रही हैप्पीनेस से प्यार करने लगे। अगर कोई आपसे इस तरह जुड़ जाता है तो समझिए आपका उसके साथ इमोशनल बॉन्ड जुड़ गया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन से साइन है। फर्स्ट नंबर साइन, वो आपसे हमेशा अपने फ्यूचर की बातें करेगी, क्योंकि वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रही है, इसलिए वो आपसे हमेशा फ्यूचर की बातें करेगी। वो बातें जो हमेशा वो आपके साथ करना चाहती है, करने की सोच रही है, वो सारी बातें वो आपसे करेगी। जैसे कि घर, फैमिली, या फ्यूचर में आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, हिल स्टेशन पे जाना, या जो भी वो ड्रीम देखती है आपको लेके, जो भी आपके बारे में वो सोचती है, जो भी वो आपके साथ करना चाहती है, वो सारी बातें वो आपसे करेगी, क्योंकि वो अपना फ्यूचर आपके साथ देख रही है, आपके साथ बिताना चाहती है। और ये बातें वो किसी और के साथ कभी नहीं करेगी, क्योंकि आपसे वो इमोशनली अटैच है। जब कोई लड़की किसी से इमोशनली अटैच हो जाती है तो वो अपना उसे सब कुछ मान लेती है। दूसरा साइन, जब कोई लड़की आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, वो केवल आपसे हंसी मजाक या जोक्स ना सुना या हंसी मजाक की बातें ना करें, बल्कि आपको अपने हैप्पीनेस या सैडनेस, वो मेमोरीज भी आपके साथ शेयर करें, वो पल जिस पल में उसने सबसे ज्यादा दुख पाया, उसे सबसे ज्यादा खुशी मिली, वो भी अगर आपके साथ शेयर करती है, वो आपके साथ सब कुछ शेयर करती है, जो कुछ भी उसकी लाइफ में हुआ, जो कुछ भी उसने अपनी लाइफ में अनुभव किए, एक्सपीरियंस लिए, वो सब अगर आपके साथ शेयर करती है, सब कुछ बताती है, तो समझिए लड़की आपसे इमोशनल अटैच हो चुकी है। क्योंकि लड़कियां जल्दी अपने एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर कोई लड़की आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, अपनी लाइफ की स्टोरीज बता रही है, तो समझिए वो आपसे इमोशनली अटैच हो चुकी है। तीसरा साइन, अगर कोई लड़की आपको सबसे ऊपर जगह दे रही है, वो आपकी खुशी को सबसे ऊपर रख रही है, वो खुद से ज्यादा आपकी खुशी, आपकी केयर पर ध्यान दे रही है, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मान रही है। देखिए, जब कोई लड़की किसी को अपना मानने लगती है तो वो पूरी तरह उसे अपना मानती है, इसलिए वो आपकी फैमिली को भी अपना मानने लगेगी। अगर कोई लड़की है जो आपकी फैमिली को भी अपना मान रही है, आपको सबसे ऊपर रख रही है, आपकी खुशी का ध्यान दे रही है, आपकी केयर कर रही है, उसे उस बात का पूरा ध्यान दे रही है कि कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, किस बात से आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ देना नहीं चाहती है, तो लड़की समझिए आपसे बहुत प्यार करती है। फोर्थ नंबर साइन, ये साइन बहुत अच्छा साइन है, लड़की आप पे ट्रस्ट करने लगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, आपको बहुत कुछ मानने लगे। ट्रस्ट ऐसा कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने तक ही रखते हैं, जो आप अपने तक से ही शेयर नहीं करते, वो बातें अगर लड़की आपको बता रही, अपने लाइफ की कुछ ऐसी बातें वो जो किसी के साथ शेयर नहीं करती, शायद किसी को कभी बताना नहीं चाहती थी, अगर वो आपके साथ शेयर कर रही है, हो सकता है उसका पास्ट कुछ ऐसा रहा हो जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, अगर वो आपके साथ शेयर कर रही है तो समझिए वो आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप पे इतना ट्रस्ट करने लगी है कि उसे पता है कि आप उसका मान रखोगे, आप उसकी बात को समझोगे, उसे समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे, आप उसे जज नहीं करोगे। वो आप पे इतना ट्रस्ट कर लेती है कि वो समझ जाती है कि अब आप इस सिचुएशन में हो कि अब आप उसे जज नहीं करोगे,
इसलिए वो आपके साथ वो चीजें भी शेयर कर देती है जो शायद वो किसी को नहीं बताती। तो अगर कोई लड़की इस तरह का टेस्ट आपके ऊपर कर रही है तो समझिए वो लड़की आपको दिल से अपना मानने लगी है। फिफ्थ नंबर साइन, अगर वो लड़की आपके फेस को पढ़ने लगे, आपको देखकर ही जान जाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। देखिए जब कोई किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तो सामने वाला इंसान उस इंसान को बहुत अच्छे से समझने लगता है। तो वो लड़की अगर आपको समझने लगे, जानने लगे कि आपको कौन सी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और कौन सी ज्यादा खुशी देती है, आप किस बात से हर्ट होते हो या आप इस बात के बाद क्या रिएक्ट करोगे, अगर वो सारी चीजें वो लड़की जानती है, अगर वो आपके फेस को पढ़ सकती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्यों दुखी हो, अगर बिना बोले वो सारी बातें समझ रही है, तो समझिए वो लड़की आपसे इमोशनली अटैच है। क्योंकि कोई जब किसी से इतना जुड़ जाता है, इतना ज्यादा दिल से जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान दूसरे इंसान को समझने लगता है। इसी तरह वो लड़की भी आपको समझने लगेगी, आपको जानने लगेगी। और एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना जो आपको समझे, आपको जाने, बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपकी पार्टनर आपको समझ रही है, जान रही है, आपके फेस को लेके आपके चीजों को पढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की है जो ये सारे साइन दे रही है, तो सच पूछिए तो आप बहुत लकी है। लेकिन हाँ, इसी तरह की प्यार, इसी तरह की केयर, इसी तरह की ट्रस्ट की उम्मीद वो आपसे कर रही है, उसे भी उतने ही प्यार और ट्रस्ट दीजिए, केयर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपकी लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।